मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सारा आइज़िक को और सारा आइज़िक की फैमिली को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम मसीह टीवी देखने वालों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अगर तो The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down on green pasture. He leads me beside still water. He freshens my soul. Amen. की तरफ से, उसी टीवी की तरफ से, संडे स्कूल की टीम की तरफ से, सर आईजी को और उसकी फैमिली को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। के साथ खुद आसमान पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और हमें फरिश्ते यहोवा पाक खुदा हमें क्या क्रिसमस के बारे में बयान करते हैं, आए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। लूका की इंजील 2:10, 11, 12, 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोथ खुदावंद की हमद कर रही और ये बयान कर रही कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह हो। आज का था ये हमारा खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम, हमें ये बयान करता है क्रिसमस हजारों साल पहले मनाया जाता था और आज भी मनाया जाता है। खुदावंद के जन्मदिन की खुशियां आज भी सेलिब्रेट की जाती हैं, जो हमारे लिए मौत और हमारे लिए जिंदा हुआ, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और वहां से आज भी वो आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। खुदावंद